सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। तो आज हम आए केएन के पिगरी फार्म पर। देख सकते हैं आप यहाँ पे सुबह का टाइम है। जैसे कि आपका तो वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा, उसमें आज आपको बताएंगे पिगरी फार्म पर सुबह से लेकर शाम तक का कितना काम रहता है। आज हम आपको सभी चीज़ें पूरे रूटीन और डिटेल के साथ बताएंगे। सुबह के टाइम क्या करते हैं हम अपने फार्म पर, आइए चलते देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजे हुए हैं और अभी फार्म पे सफाई चल रही है। अभी इनका पहला कैबिन है जो कि साफ हो रहा है। हमारे कल्लू भाई लगे हुए हैं अभी अपने काम पर। अभी आपको पूरा फार्म दिखा दे रहा हूँ। अभी सब सो ही रहे हैं। यहाँ पे इस फार्म के सबसे छोटे बच्चे हैं। इसके बाद ये इधर जो है ये सब छोटे बच्चों का कैबिन है, देख सकते हैं आप। यहाँ सफाई करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पूरा एक छोटे फार्म का, जिसमें बच्चे भी कम ही हैं। अभी कुल इसमें जो है पूरे जानवर 60 ही है। तो अब 9 बज चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 9:05 हो चुके हैं। तो अब इनका फीड का टाइम है, तो हम इनको फीड डालते हैं, आपको दिखाते हैं फीड डालते हुए, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4:30 बजे हुए हैं। हम 3:30 बजे लगे थे साफ सफाई करने के लिए। दोपहर लंच करने के बाद एक बार और सफाई होती है, तो इसके बाद आपको दिखा देता हूँ मैं साफ सफाई कैसी हुई अंदर दोपहर के टाइम में।
अभी जैसे कि आप देख सकते हैं सफाई करने में हमें फिर से जो सुबह 1.5 घंटा लगा था वही 1.5 घंटा शाम को लगा है। उसके बाद फिर डालिए 2 घंटे अब हो गए आपके। लंच के बाद एक बार और सफाई करनी पड़ती है, सुबह 1.5 घंटा, आधा घंटा फिर डालने में, और दोपहर के बाद 1.5 घंटा फिर सफाई में, और आधा घंटा फिर डालने में लगता है। कि आप देख सकते हैं अभी सब फीड खा रहे हैं अपना काम का। ये लड़ते बहुत है, आपस में दूसरे पान फाड़ते रहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा आज डेली रूटीन, आपके इन 60 जानवरों में आपके कम से कम 5 घंटे डेली लगते हैं। मेन चीज़ है साफ सफाई, उसके बाद फीड डालना, बस उसके बाद तो आपको कोई काम होता ही नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।